हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? यार वैसे आज मैं कहीं और जा रहा था, कहीं का मेरा प्लान था, बट टाइम लेट हो गया मैं और वो जगह बंद हो गया। अब ऑलमोस्ट 5 से ज़्यादा टाइम हो गया और 5 बजे वो बंद हो जाती है। तो मैं वापसी पर जा रहा था तो अचानक मेरी एक जगह पर नज़र पड़ी। जगह पर क्या कि ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ओ ये वाला ये चर्च है। छोटी सी काउंटी में, चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में छोटी सी काउंटी है, उस काउंटी में बहुत बड़ा चर्च है। मैं साथ से गुजर के आया हूँ और उससे पहले मैंने यहाँ किया है अपना, ये थोड़ा सा चर्च की ये बैठने की जगह बनाई हुई उन्होंने, देख रहे हो मेरे पास नीचे पानी है और वो चरखा टाइप कुछ लगा हुआ है और ये सारी झील नुमा आदमी बैठ जो आप यहाँ सारे अच्छा टाइम गुजारने के लिए, और बाकायदा पानी चल रहा है, देख रहे हो आप। बड़ी प्यारी जगह बनाई हुई है, जबकि चाइना सबको ही पता है यार, कम्युनिस्ट लोग हैं, ना किसी को मानने वाले, बट आज मज़ा आ गया इस जगह पे आके। अभी जाके चर्च देखते हैं अंदर से, बाहर से तो बहुत बड़ा लगा हुआ। मैं बताता हूँ, पहले अंदर जाके देखते हैं। चर्च जाने से पहले उस चरखे के पास देख जाके देखना तो बनता है ना कि क्या है। देख रहे हो ड्रैगन बना हुआ है और बड़ा प्यारा नक्शा बनाया हुआ उन्होंने, कुछ चर्च का ही एरिया है ये। और मज़े की बात ये है यहाँ कि ये कुर्बानियाँ लगी हुई हैं, कुर्बानियाँ लगी हुई हैं और बड़ा अलग किस्म का है यार। ये भी कुछ बने हुए हैं, डिज़ाइन वगैरह देख रहा हूँ, शायद इन्होंने इस चर्च की बुनियाद रखी होगी। गुंबद देखिए, ये आ गया चरखा, पता नहीं क्या चीज़ है, समझ से बाहर है ये बेसिकली, बट अच्छी जगह है यार। अभी हम चलते हैं चर्च की तरफ, फिर बाग की बात। Okay. So you are the main person here, yeah? So you do the prayer? No. It's like us. Christian, not father, not priest. Okay. He asked you, is it you do the prayer? You do the prayer? You do the prayer? No. 这个教友的英文我也不知道怎么说。 The prayer time is 7 o'clock, yes? Yeah, 7 o'clock. Yeah, it's the one. Still have one hour, more than 1 hour. Yeah. अभी मैं चर्च वाले फादर से भी मिला और एक दो मिल गए आज 7 बजे की, क्योंकि आज इतवार है, 7 बजे की प्रेयर है, तो उन्होंने मुझे प्रेयर का इनविटेशन दिया है। तो मैं उम्मीद तो है टाइम हुआ तो ज़रूर आऊँगा 7 बजे और फिर शामिल हो के और वीडियो बनाऊँ। उनसे मैंने परमिशन तो ली है कि मुझे वीडियो बनाने दिए जाए, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको वीडियो बनाने देंगे। तो बस फिर अभी आते हैं। फिर इस टाउन का सबसे बड़ा एक ही है यही और सबसे बड़ा यही है, और ऑलमोस्ट इस टाउन के अंदर 90% क्रिश्चियन है, क्योंकि मैंने खुद भी
चाइना में इतने टाइम होने के बावजूद इतनी बड़ी न्यूली बिल्ड, पुरानी मस्जिदें तो हैं चाइना में बहुत बड़ी बड़ी, बट न्यूली जो न्यू बिल्ड हुई हो, मैंने इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई नहीं देखी जो लोगों ने खुद अपने पैसों से बनाई हो। पर ये वाइट चर्च मैंने देखा है जो छोटे से काउंटी में इतना बड़ा और इतना प्यारा बनाया है। तो देखते हैं फिर। 7 बज गए हैं और मैं जाने लगा हूँ चर्च में, देखते हैं क्या हो रहा है। तो मिलते हैं चर्च के अंदर। भी फ्री हुआ हूँ चर्च से और अब घर की तरफ जा रहा हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और जगह, किसी नई जगह। चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।